हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष के जड़ा। हाँ तो गाइस, जितने भी थलापति विजय सर के फैंस है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है जब से थलापति 69 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है। और जिस तरह ये ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, जिस तरह से ट्वीट्स देखने को मिल रहे, बैक टू बैक ट्रेंडिंग पर जा रहा है, जिसके चलते भाई सब बहुत कुछ होने वाला है। और कल जो मूवी की टीम ने पोस्टर शेयर किया था ना, उसके बारे में बात करने वाले हैं और शूटिंग के बारे में भी बात करेंगे और मूवी किस चीज पर बेस्ड होने वाली है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। आप वीडियो को लाइक तो कर नहीं रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो, तो कैसे बातचीत बढ़ेगी आगे। तो चलिए जान लेते हैं। और गाइज, ये जो कल मूवी की टीम ने थलापति 69 का अपडेट शेयर किया ना, तो ये सारा का सारा अपडेट आप लोगों को पता है, मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। लेकिन तो भाई, आज से 4 महीने पहले मैंने एग्जैक्ट अपडेट शेयर किया है कि कौन प्रोडक्शन हाउस होने वाला है, कौन डायरेक्टर होने वाला है, कौन म्यूजिक डायरेक्टर होने वाला है, कौन लीड एक्ट्रेस होने वाली है, क्या क्या सारी चीजें होने वाली है। आज से 4 मंथ पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। लेकिन हम छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, हम अब आप क्यों ट्रस्ट करेंगे। तो ये वाला थंबनेल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर वॉच कर लो और देख लो कि कितने अश्योरेंस लेवल पे मैं हर मूवी का अपडेट देता हूँ और कितने खतरनाक हमारे सोर्सेज है जो कि एग्जैक्ट अपडेट हमारे साथ शेयर करते हैं। तो गाइज, आप बात कर लेते पोस्टर के बारे में कि कल मूवी की टीम पोस्टर के साथ क्या कहना चाह रही थी ऑल थलापति विजय सर के फैंस के साथ, क्योंकि काफी लोग पूछ रहे थे कि हर्ष भाई ये किस टाइप की मूवी होने वाली है, तो उस पर बात करने वाले हैं। तो गाइज, आपको यहाँ पर देखने को मिला ये वाला जो सीन देखने को मिला ना, तो इसको अपन थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। तो भाई सब, यहां पर जो मूवी की टीम कैबिनेट प्रोडक्शन ये कहना चाह रहे, लोकतंत्र का मशाल वाहक जल्दी आ रहा है, मतलब जो उन्होंने मशाल रे रखी है लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। तो भाई सब, ये जो मूवी मोस्टली हो सकती है वो भाई साहब पॉलिटिशियन पे हो सकती है, काफी सारा पॉलिटिशियन और काफी सारा एक्शन सीक्वेंस हो सकता है, मतलब कि एक प्योर ड्रामा एक्शन सीक्वेंस होने वाली है जो कि प्रॉपर एक कमर्शियल मूवी होगी। अब गाइज, मैं आप लोगों को बताऊं ना, जब मैंने ये कल पोस्टर देखा तो मैं खुद शॉक्ड हो गया कि यार ये करना क्या चाह रहे, ये किस टाइप का पिक्चर बनाना चाह रहे, क्या मतलब किस पोस्टर के थ्रू क्या बोलना चाह रहे। और ये पोस्टर काफी कुछ बोल रहा है क्योंकि यहाँ पर काफी सारी चीजें दिखाई देने वाली है। जब इसका शूट स्टार्ट होगा, पूजा शर्मिनी होगा, तब प्रॉपर तरीके से पता चलेगा कि डायरेक्टर एच विनोद सर क्या बोलना चाह रहे हैं। तो गाइस, इसे करते हैं साइड, यानी कि बातचीत हो गई है, लेकिन अब बात कर लेते हैं शूटिंग के बारे में। तो गाइज, मैं आप लोगों को बताता चलूं, अभी जो शूटिंग से रिलेटेड अपडेट निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है, अक्टूबर के मिड से, मतलब कि 15 या 17 अक्टूबर से इसका शूट स्टार्ट कर दिया जाएगा बिफोर दिवाली। फिर उसके बाद यार देखो, अब अनाउंसमेंट हुआ तो पूजा शर्मिनी भी तो होगा, तो पूजा शर्मिनी का जो अपडेट निकल कर आ रहा है, जस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उतनी तारीख को होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो अपडेट निकल कर आ रहा है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। क्योंकि यार 3rd of October का बताया जा रहा है कि 3rd October को इसका पूजा शर्मिनी होने वाला, ऐसा अपडेट निकल कर। बाकी भाई वेट रहेगा पूजा शर्मिनी का, कब से होने वाला है, कब क्या होने वाला है, जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। स्पेशली थलापति विजय सर का इस बार लुक किस टाइप का होने वाला है वो देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप किस चीज के लिए एक्साइटेड हो, क्योंकि आप लोग तो कमेंट सेक्शन में नहीं बताओगे कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। उसी के साथ साथ क्या लगता है मूवी के बारे में, अगर डेमोक्रेसी आ रहा है तो किस टाइप का हो सकता है, अपने ओपिनियन कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और मेरी अपडेट्स के बारे में भी थोड़े वर्ड लिखिएगा जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।